हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है सिरोसिस ऑफ लीवर, जिसकी पहली वीडियो में हमने क्या डेफिनेशन है, क्या कॉजेज और सिम्टम कैसे होते हैं सिरोसिस ऑफ लीवर में वो पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं पैथोलॉजी के बारे में, पूरा पैथोजेनेसिस कैसे होता है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने डिस्कस किया था कि अल्कोहलिक लीवर डिजीज इसका एक कॉज है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर इसका एक कारण है। तो क्या हुआ, लीवर डैमेज होना चाहिए किसी भी कारण से, कोई भी रीजन हुआ जिसकी वजह से रिपीटेडली लीवर डैमेज हो रहा है, तो वहां पे क्या होते हैं डैम, मतलब डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल पैटर्न्स, ये रिलीज होते हैं। प्लस में क्या, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज ये रिलीज होंगे जब भी कहीं पे क्या होगा डैमेज होता है कोई, ठीक है। तो लीवर में जब ये डैमेज हुआ, जिसकी वजह से क्या हो गया, देयर इज एक्टिवेशन ऑफ द स्टीलेट सेल, एक्टिवेशन ऑफ स्टीलेट सेल। नॉर्मल लीवर में इनका काम क्या है, जो विटामिन ए है उसको स्टोर करके रखना, लेकिन अब ऐसी कंडीशन में जब ये एक्टिवेट हो गए हैं तो ये क्या करेंगे, इंक्रीज फाइब्रोसिस। यानी अब इनको क्या लग रहा है कि लीवर किसी वजह से डैमेज हो रहा है तो उसको हमें रिपेयर करना है, ये रिपेयरिंग के लिए क्या करते हैं, फाइब्रोसिस को बढ़ा देती है स्टीलेट सेल, इंक्रीज फाइब्रोसिस थ्रू द प्रोडक्शन ऑफ मायोफाइब्रोब्लास्ट। मायोफाइब्रोब्लास्ट जैसे ही डेवलप होने लगे, इसके साथ साथ एक क्या होता है TGFB1, ये स्क्रेट होता है, जो क्या करेगा, लीड्स टू द फाइब्रोटिक रिस्पॉन्स एंड प्रोलिफरेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ये और फाइब्रोसिस करेगा और कनेक्टिव टिश्यू है उनकी प्रोलिफरेशन को उस एरिया में बढ़ा देता है। स्टीलेट सेल सबसे पहले एक्टिवेट हुई है क्योंकि बार बार डैमेज हो रहा था, तो डैमेज एसोसिएटेड जो मॉलिक्यूल पैटर्न्स थे, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज थी, उन्होंने एक्टिवेट किया, फाइब्रोसिस हुई। ये TGF-β1 स्क्रीट हुआ, इसने फाइब्रोसिस को बढ़ा दिया, फाइब्रोटिक रिस्पॉन्स और ज्यादा कर दिया, कनेक्टिव टिश्यू को और ज्यादा प्रोलिफरेट कर रहा है। इसके साथ साथ क्या होता है, मतलब TGF-β1 के साथ ACTA2, ये भी क्या इसके साथ एसोसिएट होके क्या करता है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी को बढ़ाता है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टी है, जैसे ये एक हमारी हिपेटोसाइट है अगर, ठीक है, इसके बाहर वाली साइड पे कहीं इस पे बार बार इंजरी हो रही है, तो इंजरी होने की वजह से फाइब्रोसिस होना चालू हुआ, फाइब्रोसिस इसके चारों तरफ हो रहा है, ठीक है, प्रोलिफिरेट हो रही है, कनेक्टिव टिश्यू आ रहा है। अब ये क्या करेगा, इसकी कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी को बढ़ाता है, मतलब इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मजबूर कर रहा है एक तरीके से, ACTA2। और इसके अलावा TIMP1, TIMP2, ये सब भी रिलीज होते हैं, जो क्या करते हैं, पूरा फाइब्रोटिक मटेरियल एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जो है, यहाँ पे फाइब्रोटिक मटेरियल आएगा, कॉन्ट्रैक्ट होना चालू होगा। अब जैसे यहाँ भी एक हिपेटोसाइट थी, ये एक हिपेटोसाइट थी, ये एक हिपेटोसाइट है यहाँ पे, तो ये इनके चारों तरफ क्या फाइब्रोटिक मटेरियल आ गया है, कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो गया। तो अब क्या होगा, ये ऐसा हो जाएगा, एक हिपेटोसाइट दूसरी हिपेटोसाइट से अलग हो गई और क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट छोटी हो गई है, तो ये क्या है, देयर इज नोड्यूल फॉर्मेशन। ये एक जो बन गया, ये क्या है, नोड्यूल फॉर्मेशन होने लगता है। तो नोड्यूल फॉर्मेशन हो रहा है, वो हिपेटोसाइट कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है, तो क्या ब्लड सप्लाई भी जो है एरिया की, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, तो ब्लड सप्लाई कम हो गई, यहां कम हुई है तो बैक फ्लो होने लगेगा, मतलब स्प्लीनिक कंजेशन होना या पोर्टल हाइपरटेंशन होना इस वजह से होता है। तो दिस इज द पैथोलॉजी या पैथोजेनेसिस ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर। फिर उसके बाद आता है हमारा डायग्नोसिस, हमें कैसे करना है। तो डायग्नोसिस में क्या है, जो लीवर फंक्शन टेस्ट है हम वही कराएंगे पहले तो पेशेंट का। तो लीवर फंक्शन टेस्ट में हमें क्या, AST-ALT बढ़ा हुआ मिलेगा, अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ मिल सकता है, GGT बढ़ा हुआ मिलेगा। अभी सिरोसिस ऑफ लीवर भी दो तरीके की होती है, कंपनसेटिंग और डीकम्पनसेटिंग। कंपनसेटिंग मतलब सिरोसिस ऑफ लीवर डेवलप हो गया है लेकिन लीवर कंपनसेट कर रहा है, मतलब काम अभी कर रहा है, पेशेंट को बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी ऐसा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में बिलीरुबिन लेवल नॉर्मल भी मिल सकता है, लेकिन अगर डीकम्पनसेटिंग है कि लीवर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, अब वो अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, तो बिलीरुबिन लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, एल्ब्यूमिन लेवल कम मिलेगा, क्योंकि मोस्टली वो क्रॉनिक कंडीशन में आएगा, तो एल्ब्यूमिन लेवल कम है, बिलीरुबिन लेवल कंपनसेटिंग कंडीशन में नॉर्मल मिलेगा लेकिन डीकम्पनसेटिंग कंडीशन में बढ़ जाएगा, एल्कलिन फॉस्फेटेज और ये सब बढ़े हुए मिलेंगे,
देन आप पेशेंट से हिस्ट्री लो, प्रॉपर सीटी स्कैन, एमआरआई कराना और बायोप्सी, इन सब से हम क्या एक डायग्नोसिस पे आते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है, यानी क्या उसका कॉज है सिरोसिस ऑफ लीवर का। देन एक है हमारे पास इसको जानने के लिए, सिरोसिस ऑफ लीवर किसी पेशेंट को है तो उसका लीवर फंक्शन कैसा है, प्रोग्नोसिस कैसा है पेशेंट का, और पोस्ट ऑपरेटिव, अगर हम ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट को एडवाइज करें तो पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन में मॉर्टेलिटी के चांसेस कितने हैं, उसके लिए एक स्कोर है जिसको हम बोलते हैं चाइल्ड प्यूक स्कोर। ठीक है, ये किसके लिए, कि हमें लीवर फंक्शन स्कोर कंडीशन है ए बी और सी, जिसमें हमें क्या देखना है कि लीवर फंक्शन कैसा है, प्रोग्नोसिस कितनी है और पोस्ट ऑपरेटिव मोर्टेलिटी के चांसेस कितने हैं। इसमें पांच चीजों को हमें देखना है, पहला है बिलीरुबिन लेवल पेशेंट का, एल्ब्यूमिन लेवल, PTINR जो हम कराते हैं पेशेंट का, असाइटिस है कि नहीं पेशेंट को, और एनसेफलोपैथी डेवलप हुई है कि नहीं, मतलब ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हुई है या नहीं। इनमें हर किसी को तीन तीन पॉइंट्स दिया जाता है, मतलब इनकी भी ग्रेडिंग है कि बिलीरुबिन लेवल इतने से इतना हो तो 1 ग्रेड देना है, 2 देना है, 3 देना है, तो ऐसे मैक्सिमम हर एक की ग्रेडिंग है 3, तो टोटल स्कोर होता है 15। अभी अगर 15 में से 5 to 6 पॉइंट आते हैं पेशेंट के, 5 to 6 मार्क्स आए, 7 to 9 आए तो बी कंडीशन में और 10 to 15 आए तो सी, तो 5 से 6 अगर इस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कि गुड लीवर है, मतलब उसमें भी आएगा कि बिलीरुबिन लेवल बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा हुआ है, वो फर्स्ट कंडीशन है, थोड़ा मॉडरेटली बढ़ गया, फिर ज्यादा बढ़ गया, ऐसा इस तरीके से। तो 5 से 6 पॉइंट कम आना चाहिए वो स्कोर, कम आ रहा है तो मतलब लीवर गुड कंडीशन में है, और प्रोग्नोसिस क्या है कि 15 to 20 ईयर्स मेनली पेशेंट निकाल सकता है, इतना प्रोग्नोसिस है। और अगर पोस्ट ऑपरेटिव, अगर आप उसको ऑपरेशन भी करा देते हो, लीवर ट्रांसप्लांट करा देते हो, तो मॉर्टेलिटी के चांसेस 10% है, ज्यादा नहीं, ऐसा 7 to 9 है अगर, यानी लीवर की कंडीशन थोड़ी और खराब होती जा रही है, तो वो क्या है, मॉडरेट लीवर डिसफंक्शन है उसको, और वो 30% मॉर्टेलिटी के चांसेस है उसका। प्रोग्नोसिस एज इट इज हम ईयर्स में कुछ नहीं, वो इतना ही बता सकते हैं। देन आता है 10 to 15 अगर स्कोर है, तो यानी लीवर बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, यानी लीवर डिसफंक्शन प्रॉपरली डेवलप हो गया है, 1 to 3 ईयर में ही पेशेंट जो है वो, इतना ही प्रोग्नोसिस हम समझ सकते हैं। और आफ्टर, अगर हम ऑपरेट भी कराते हैं ऐसे पेशेंट का, तो आफ्टर ऑपरेशन भी उसके मॉर्टेलिटी के चांसेस 82% होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, चाइल्ड ब्यूक स्कोर, ये जानने के लिए कि लीवर फंक्शन कैसा है, प्रोग्नोसिस कैसा, और अगर हम सर्जरी भी एडवाइस करें तो मॉर्टेलिटी के चांसेस कितने हैं वो। देन आता है हमारा ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या है, इसका कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट तो नहीं होगा, जो कंडीशन आपको डेवलप हो रही है, साइटिस डेवलप हो रहा है तो आपको ड्रेन करना ही पड़ेगा, ऐसा पोर्टल हाइपरटेंशन है तो उसके लिए अलग ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, तो जो कंडीशन पेशेंट जिस कंडीशन में आपके पास आया उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और उसमें हेल्दी डाइट पेशेंट को एडवाइस करना, पेशेंट को एडवाइस करना कि अल्कोहल नहीं लेना है अगर वो अल्कोहल की वजह से डेवलप होता है तो, और ट्रांसप्लांटेशन इज द लास्ट ऑप्शन। तो ये है हमारा सिरोसिस ऑफ लीवर, जिसमें हमने उसकी क्या डेफिनेशन है, क्या कॉजेज हैं उसके, साइन एंड सिम्टम क्या पेशेंट लेके आएगा, क्या पैथोजेनेसिस है उसकी, कौन कौन से हम डायग्नोसिस करा सकते हैं पेशेंट को, इन्वेस्टिगेशन क्या करा सकते हैं जिससे एक्चुअल कॉज पता चले, देन वी कम टू द ट्रीटमेंट ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर। थैंक यू।